तो दोस्त देखिए, ये हमारा स्टेटर है, ये रोटर है और ये इन दोनों का इंटरप्लेट है। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप एकदम चर्चा हुए मस्त हमें झकास मिले। दोस्त इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे हम बैंडिंग को चेक कर पाएंगे, कौन सा बैंडिंग रनिंग बैंडिंग है और कौन सा स्टार्टिंग बैंडिंग है। तो लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे अब इन सबको, स्टेटर को, रोटर को और उसके इंड प्लेट को कैसे हम जोड़कर एक कंप्लीट मोटर में बदल पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्त देखिए, ये हमारा स्टेटर है, ये रोटर है और ये इन दोनों का इंड प्लेट है। देखिए इसके अंदर हम कैसे इन सबको लगाना है आपको, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो रोटर है, ये देखिए रोटर का आगे वाला पोर्शन है, मतलब कि इसमें हमको फैन लगेगा। तो ये देखिए जिस वाले में होल होगा, ये देखिए जिस वाले में होल होगा, तो इसको हम इस वाले में इस तरीके से लगा देंगे। देखिए चलिए लगा दिए। अब देखिए अगला काम हमको क्या करना है कि ये जो देखिए वायर वाला पोर्शन है, जिसमें से हम वायर ये निकला हुआ है, इसको हमको क्या करना है, पीछे की तरफ लगाना है। क्योंकि देखिए इस वाले इंड प्लेट में यहाँ पर देखिए दो होल है, देख पा रहे हैं यहाँ पर दो होल है। इसमें से हमको क्या करना है कि वायर को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। चलिए तो आपको निकाल कर दिखा देते हैं सबसे पहला, फिर उसके बाद क्या करना है। ये देखिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दो होल है, दिख रहा है दो होल, ये दो होल है यहाँ पे और ये दो होल है इसके इंड प्लेट में। तो हमको इन दो होल को क्या करना है, मैच करवाना है। ठीक है, मैच करवाएंगे इसलिए क्योंकि हमको स्क्रू से इसी में क्या करना है, कसना। देखिए अब हम कैसे कर रहे हैं इसको, आपको आसानी से एकदम बैठा लेना है, ज्यादा घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से प्यार से। देखिए ये देखिए हमारा दोनों होल भी मिल गया है और ये देखिए हमारा रोटर की इसके अंदर लग गया। अब क्या करना है, अगला काम हमको क्या करना है, देखिए ये पूरा आपको, वैसे आप नहीं भी बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एकदम आराम से देखिए, मतलब बैठ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब हम इसका स्क्रू लगाएंगे तो क्या होगा, वो आसानी से बैठ जाएगा। चलिए अब देखिए हमारे पास ये है अगला, इसका पीछे वाला, तो पीछे वाला है तो देखिए इसमें से दो होल दिए होंगे, देखिए एक यहाँ पर होल दिया हुआ है, एक यहाँ पर होल दिया हुआ है। तो देखिए जिसमें से एक में हम क्या करेंगे, रनिंग बैंडिंग का निकालेंगे, देखिए रनिंग बैंडिंग का, और एक में से हम क्या निकालेंगे, स्टार्टिंग बैंडिंग का। चलिए एक में से हम किसका निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग बैंडिंग का, चलिए निकाल दिए यहाँ से। ये देखिए यहाँ से इसको हम क्या कर दिए, निकाल दिए। अब आपको वायर को ऐसे ऐसे हल्का सा टाइट कर लेना है, फिर देखिए इसको आराम से इसी में लगा लेना है। देखिए इसका भी होल जो है पीछे वाले होल से क्या करना, मैच करना चाहिए। देखिए ये मैच कर गया, अब हमको क्या करना है कि आपको ये स्क्रू लेना है, ये स्क्रू, इसके चार स्क्रू लगते हैं इसके अंदर। देखिए इस वाले से कैसे लगाना है, ये देखिए आप लगा दिए स्क्रू को, इधर से ऐसे इसके बोल्ट को लगा दीजिए, ऐसे नट को। देखिए अब तो आप समझ गए हैं सबको, देखिए इसी तरीके से करना है सबको। थोड़ा सा दिक्कत आएगी कहीं पर होगा जो नहीं सही जाएगा, तो आपको क्या करना है, बस उसको देखना है कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ कुछ फंस रहा है और कहाँ नहीं फंस रहा है, तो आपको यही देखना होगा, शायद वायर ही कहीं फंस रहा है। देखिए ये देखिए हमारा वायर ही कहीं फंस रहा था, तो ध्यान से पहले जबरदस्ती नहीं करना, आराम आराम से करना है। देखिए ये वाला हो गया, अब इसी तरीके से हम कौन सा लगा लेंगे, ये देखिए तीसरा वाला लगा लेते हैं। चलिए ये नहीं जा रहा है, अब चौथा वाला देखते हैं। ठीक देखिए चौथा वाला चला गया, और हम क्या करेंगे इसको किसी चीज से, देखिए प्लायर हमारे पास, हम इसे ऐसे ऐसे कर दिए, अब इसके पीछे देखिए यहाँ पर नहीं लग रहा है, हम क्या करेंगे हल्का से ऐसे घुमा के और इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से लगा देंगे। अब देखिए अब सबका इस स्क्रू को क्या कर देना है, टाइट कर देना है, देख पा रहे हैं, ये देखिए ये देख पा रहे हैं सबको स्क्रू को क्या कर देना है, टाइट कर देना है। अब अगला हमको क्या काम करना है, इसको आपके पास अगर से इसका रिंच है तो आप इसके स्पाइनर से टाइट कर दीजिए, वरना हमारे पास तो प्लास है, हम प्लास से ही कर दे रहे हैं। देखिए किसी भी करें, बस टाइट होना चाहिए, ये देखिए ये टाइट हो गया, इस तरीके से आपको क्या कर देना है, टाइट। देखिए अच्छा, इसकी टेस्टिंग हमने कर दी थी, कौन सा रनिंग बैंडिंग है, कौन सा स्टार्टिंग बैंडिंग है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। ये देखिए पूरा का पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये देखिए पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्त देखिए इसके स्टेटर, रोटर और इंड प्लेट से हमने इन सबको स्क्रू के जरिए देखिए यहाँ पर ऐसे टाइट कर दिया है। अब हमको क्या करना है कि ये देखिए ये था हमारी स्टार्टिंग बैंडिंग और ये था हमारा रनिंग बैंडिंग। अब पहले हमको ये देख लेना है कि जो हमारा रोटर है वो आसानी से घूम रहा है कि नहीं, यहाँ पर देख लेना कि ये आसानी से घूम रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि ये क्या होता है, आसानी से नहीं घूम पाता, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ भी ऐसा
लोहे का हो या फिर हमारे पास हथौड़ी हो छोटा सा, हम क्या करते हैं इसके चारों तरफ इस तरीके से देखिए ऐसे ऐसे करके होता क्या है, कभी कभी ये रोटर जो है स्टेटर के अंदर जाके कहीं पर टच होने लगता है, जिससे हमारा ये जो रोटर है ये फ्रीली नहीं घूम पाता। तो ऐसा इस कंडीशन जब भी आपको होता है तो आपको ऐसे ऐसे बस छोड़ देना है इसको और वो आप सही हो जाएगा, फिर आपको स्क्रू को टाइट कर देना। तो दोस्त देखिए इसमें जो हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग है इसके इसमें हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, तो चलिए आपको कैपेसिटर हम कनेक्ट करा के दिखा देते हैं। ये इस तरीके से आपको कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है, इसके दूसरे टर्मिनल को भी इसके दूसरे टर्मिनल से देखिए आपको कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। देखिए याद रहे कि ये दोनों आपस में टच ना हो। चलिए तो ये देखिए यहाँ से ऐसे ये देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये कनेक्ट होने के बाद ये हमको सप्लाई से कनेक्ट करवाना है, तो चलिए हम सप्लाई से जोड़ के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्त अब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट कराते हैं। देखिए सप्लाई हमने यहाँ से ऑन कर देते हैं, ये देखिए हमारा मोटर घूमना शुरू कर दिया है, देख पा रहे हैं आप। देखिए ये देखिए आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और ये देखिए मोटर हमारा क्या है घूम रहा है आसानी से। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें आवाज़ कर रहा है, तो जब हम इसको फैन से कनेक्ट करेंगे तब ये आवाज़ करना बंद कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम फैन से कनेक्ट करा के आपको ये भी दिखा देते हैं। ये देखिए फैन है हमारा, इसका ब्लेड है, ब्लेड का देखिए इसमें एक स्क्रू लगा होता है, तो ये जो स्लॉट बना रहता है याद रखना पड़ेगा कि स्क्रू भी वहीं पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे आपको लगा देना है, इस तरीके से लग गया ये। अब इसका जो स्क्रू होता है ये देखिए आपको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आपको क्या कर देना है टाइट कर देना है, क्यों अगर से आप टाइट नहीं करेंगे तो जब घूमने लगेगा तो ये क्या करेगा बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकल जाएगा तो आपका ब्लेड क्या हो जाएगा टूट जाएगा। तो चलिए अब आपको इसको सप्लाई से फिर कनेक्ट करवा के दिखाते हैं। देखिए ये देखिए आप देख पा रहे हैं कैसा चल रहा है ये फैन, एकदम मस्तूम चल रहा है। देखिए आपको हाथ से पकड़ना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी कहीं ब्लड वोल्ट से कसा हुआ नहीं है, तो मोटर क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम समझ गए होंगे कैसे हमको फैन ये कूलर का मोटर हमको सही करना है, चेक कैसे करना है, कैसे उसकी बाइंडिंग को टेस्टिंग करनी है और कैसे हमको इसमें कैपेसिटर को कनेक्ट करवा के ब्लेड को कनेक्ट करा के ऐसे हमको इसको चलाना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे अगली वीडियो में इसको हम कूलर के अंदर इंस्टॉल करके दिखाएंगे, कैसे आप किसी भी कूलर में इस मोटर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका ब्लेड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा आगे, और दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख पाए।